ये एक बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन है फेंसिंग की, जिसमें बहुत ध्यान रख के बहुत अच्छा सा केयरफुली थिंकिंग थ्रू करने के बाद में ये डिज़ाइन बनी है। इस डिज़ाइन को पूरा मुंबई से लेके अहमदाबाद तक के रूट में लगाया गया है। इसका फ़ायदा ये है कि अब इस फेंस के लगने के बाद में कैटल का, किसी भी जानवर का, पशु का ट्रैक पे आना प्रैक्टिकली ज़ीरो हो गया है। और जो बहुत बड़ी रिस्क होती थी, गाड़ी जब तेज़ चल रही है, तेज़ चलती गाड़ी के सामने जब कैटल आ जाता था, बहुत बड़ी एक रिस्क होती थी। ये एक ऐसा इनोवेशन किया है जिस इनोवेशन को लोगों ने स्वीकारा है। किसी भी गांव में अगर कंक्रीट की फेंसिंग करते थे, लोग उसको स्वीकारते नहीं थे, क्योंकि वो गांव को एकदम प्रैक्टिकली डिवाइड कर लेता था। इस फेंस के डिज़ाइन को सबने स्वीकारा है और इसको और आगे लेके जाएंगे। अब इस फेंसिंग के करने के कारण मुंबई से अहमदाबाद के रूट को 160 की स्पीड पे लाना संभव हो गया है। काफ़ी काम हो गया है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल को चेंज किया गया है। 160 की स्पीड के हिसाब से ज़्यादा करंट चाहिए होती है, 800 एम्पियर करंट चाहिए होती है, तो OHE को चेंज किया है। ट्रैक में जो कई जगह पे कर्व्स थे, उन कर्व्स को सिंपल किया है, स्ट्रेट किया है। ट्रैक का पूरा स्ट्रक्चर भी चेंज किया है, कवच भी लग रहा है इस रूट पे। तो इस तरह से करके ओवरऑल जितनी भी चाहिए हमें 160 की स्पीड को लाने के लिए, वो सब आ रहा है। और इस फेंसिंग के कारण प्रैक्टिकली मुंबई से अहमदाबाद के रूट पे ज़ीरो कैटल का आना हो गया है। चार बड़ी रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है, OHE की पूरी कैटनरी को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि 800 एम्पियर की करंट चाहिए होती है, तो उसमें 20-25 kV लगाना पड़ता है। दूसरा, ट्रैक का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, स्लीपर की डेंसिटी, कॉम्पैक्ट नए, पूरा जो बैलास्ट है नया डालना पड़ता है। तीसरा, यथासंभव कर्वेचर चेंज करना पड़ता है, जहाँ पे कर्व से उसको सीधा करने की कोशिश करनी पड़ती है। चौथा, कवच की ज़रूरत होती है, क्योंकि 160 की स्पीड से लोको पायलट कभी भी फिजिकली सिग्नल को देख नहीं पाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि उसमें लोको पायलट, मतलब ट्रेन का प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक हो, तो कवच उसमें ज़रूरी है। तो इस तरह से चार पांच चीज़ें हैं जिससे कि 160 पॉसिबल होता है। ज़ीरो हो गया, 100% असर पड़ गया। अब दूसरी जगह भी लगाएंगे, बहुत जल्दी एक वर्कशॉप करेंगे जिसमें देश भर के सारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स को लाया जाएगा, और वेस्टर्न रेलवे का ये जो डिवीजन, जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को सबके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंट करके सबके व्यूज़ लिए जाएंगे, व्यू लेने के बाद में एक बार इसको स्केल अप किया जाएगा।